एससी एसटी बस्तियों में भी जाना चाहिए, नहीं हम जाते नहीं एससी एसटी की बस्तियों में, वो जाते हैं। अरे ये सब लोग पहले क्षत्रिय थे, इन्होंने धर्म को बचाने के लिए चमड़े का उपयोग कर लिया, धर्म को बचाने के लिए मांस ले आए, धर्म को बचाने के लिए इन्होंने मुस्लिम बेगमों का मल उठा लिया, इसलिए उनको बंगी बोलते हैं। बंगी शब्द क्या है, ये धर्म भंग किया गया उनका, ये सब मुसलमानों के कारण हुआ। ये धर्म योद्धा है, हम उनके साथ छुआछूत करेंगे, भेदभाव करेंगे, मंदिर में नहीं आने देंगे, तो वो फिर कल मोहन राम थोड़ी रहेगा, वो मोहम्मद बनेगा। और जब वो मोहन राम मोहम्मद बनेगा तो तुम्हारे घर के आगे झाड़ू लगाने नहीं आएगा, वो तलवार लेकर के आएगा, सेठ जी बहुत मजे कर लिए, निकलो बाहर, हमारा घर है। वो काला पहाड़ का उदाहरण याद कर लो, आसाम में यही हुआ था। ये जितनी बीमारियां हैं, ये घूंघट प्रथा, अपने यहाँ तो कम है गंगानगर में, ये घूंघट प्रथा क्यों आई? राम ने सीता ने, आपने फोटो देखा होगा शिव पार्वती का, रामायण महाभारत भी देखी, किसी महिला ने घूंघट नहीं निकाला। हमारी महिलाएं क्यों निकालती घूंघट? मुसलमानों से बचने के लिए, न तो चेहरा देखेगा न ले जाएगा। दिन में शादी क्यों हो गई, रात में शादी क्यों हो गई? शादी करोगे तुम्हारी पत्नी 7 दिन हमारे पास रहेगी फिर तुमको देंगे, हमने कहा चोरी छुपे शादी करो रात को, सारे विवाह दिन की जगह रात में हो गए। दक्षिण भारत में तो दिन में होते हैं क्योंकि उधर मुगल गए नहीं। हमारी दादी परदादी सब अनपढ़ क्यों हो गई? इसलिए अनपढ़ हो गई क्योंकि बच्चियाँ स्कूल जाती थी, मुसलमान उठा के ले जाते थे, तो हमने कहा भैया स्कूल जाना नहीं, ये सब हमारी दादी परदादी अनपढ़ हो गई। तो हमारे यहाँ तो कंडगी गार्गी कितने विद्वान, सीता कितनी विद्वान थी, द्रौपदी ने जो सवाल किए उस सवालों का उत्तर भीष्म भी नहीं दे पाया, पट्टी लिखी थी तब किए ना। ये बाल विवाह, बच्ची को जल्दी शादी कर लो, शादीशुदा बच्ची को मुसलमान कम ले जाते थे, बाल विवाह इनके कारण आ गए, चमड़े का उपयोग, मांस का उपयोग। ये घर में लैट्रिन जाते नहीं थे, बाहर ही जाते थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कोई लैट्रिन नहीं निकली, ये जाते थे घर में क्योंकि महिलाओं को उठा के ले जाते थे, किले से बाहर जाएगी तो घर भाग जाएगी, इसलिए किले में ही जाओ, अब बदबू आ गई तो क्या करे। इनको कहा मुसलमान नहीं बनना तो मल उठाओ, इन्होंने कहा मल उठा लेंगे मुसलमान नहीं बनेंगे। तो ये सब धर्म योद्धा है, हम भूल गए। सुअर भी अपनी रक्षा के लिए पाला, सुअर रहेगा मुसलमान घर पे नहीं आएगा, सुअर का तिलक लगाएगी लड़की उसको कोई मुसलमान हाथ नहीं लगाएगा, तो अपनी रक्षा के लिए सुअर आ गया। आज जो सुअर पालते हैं हम उसको अछूत मानते हैं, ये नहीं होते तो 1947 नहीं उससे पहले ही देश का विभाजन हो जाता, अंबेडकर जी मुसलमान बन जाते तो आप कल्पना कर सकते हो क्या हालत होती हमारी। अंबेडकर जी ने कहा ऐसे किसी धर्म में नहीं जाऊंगा जिसकी जड़ें विदेश से जुड़ी हुई है, इसलिए बौद्ध बने कोई फर्क नहीं पड़ा, बौद्ध बने तो वही अंबेडकर जी रहे, उनके पिताजी का नाम रामजी अंबेडकर रहा, उनके गुरु का नाम महादेव अंबेडकर, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बौद्ध तो हमारे अवतार है। जैसे सिख परंपरा है, जैसे जैन परंपरा है, ऐसे बौद्ध परंपरा है, लेकिन है सब कौन? हम सब जाकर के मूल तो उस हिंदुत्व तत्व से जाकर के ही तो जुड़ते हैं, तो छुआछूत खत्म होनी चाहिए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद का मंत्र है हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, सभी हिंदू सगे माँ जाए भाई है, कोई हिंदू नीच या पतित नहीं है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, मेरी दीक्षा हिंदू की रक्षा करना और समानता लाना मेरा मंत्र है, ये विश्व हिंदू परिषद का उद्घोष है। आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण से और विश्व हिंदू परिषद जिस पवित्र मंत्र को लेकर के इस संगठन के काम में लगा हुआ है उस काम में जुटिए। देखिए दुनिया में दो काम होते हैं, एक होता है इंपॉर्टेंट काम और एक होता है इमरजेंसी काम। घर में विवाह है, शादी होनी चाहिए, लेकिन उसमें माँ को हार्ट अटैक आ गया, आप क्या करोगे? शादी करोगे, माँ का इलाज कराओगे? बोलो, इलाज कराएंगे ना। तो ध्यान रखना, यदि हम नहीं रहे तो जैसे जम्मू कश्मीर से हिंदू भाग गया, जैसे इराक से हिंदू को भगा दिया, जैसे अफगानिस्तान से हिंदू को भगा दिया, पाकिस्तान से भगा दिया, नेपाल से भगा दिया, भूटान से भगा दिया, तिब्बत से भगा दिया, उधर म्यांमार से भगा दिया, श्रीलंका से भगा दिया, बाली जावा सुमात्रा इंडोनेशिया मलेशिया जावा, ये सब हमारे थे लेकिन सब के सब चले गए। ध्यान रखना, हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान चला गया। हम हर साल प्रहलाद की पूजा करते हैं, प्रहलाद जन्मा कहाँ ये हिंदू को पता ही नहीं है। प्रहलाद जन्मा था मुल्तान में, उसका पुराना नाम था मूल स्थान, हमारे हाथ से गया। लाहौर किसने बसाया? भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया, लाहौर गया हमारे हाथ से। भरत का पुत्र था तक्ष, उसने बसाया तक्षशिला को, आज तक्षशिला हमारे हाथ में गया। भगवान राम बाबा रामदेव जी की ससुराल अमरकोट बदल करके उसको उमरकोट बना दिया। हमारी इंगलाज माता का मंदिर चला गया, सिंधु नदी चली गई, तक्षशिला का विश्वविद्यालय चला गया, कटास राज चला गया जहां यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए थे, ढाकेश्वरी देवी चली गई, हमारे पशुपतिनाथ का मंदिर चला गया। क्यों?
सब लोग मैं मेरा परिवार बस, समाज जाए बाढ़ में दुनिया जाए चूल्हे में, हमको कोई लेना देना नहीं, मेरे घर पे आँच नहीं आनी चाहिए। यदि यही करते रहे तो आने वाले समय में और हमारा समाज छोटा होगा और हमारे देश के टुकड़े होंगे। इन हमको सबको यदि समाज को बचाना है, धर्म को बचाना है, आने वाली अपनी औलादों की रक्षा करनी है, हम तो चले जाएंगे लेकिन चौथी पांचवी पीढ़ी सब रोएगी देखना हमको कि तुम लोगों ने सब पता था, तुम केवल मैं और मेरा परिवार पैसे के चक्कर में लगे रहे, देश समाज धर्म के काम में नहीं लगे। तो ये सब काम इम्पोर्टेंट है लेकिन इमरजेंसी काम एक ही है, वो है हिंदू समाज को संगठित करना, देश के लिए काम करना।